मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता मार्कशीट देख कर के खुशी खुशी अपनी बीबी को कहा, बना लीजिए मीठा दलिया, स्कूल के परीक्षा में आपके बेटे को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे भी दिखाइए, मैं भी देखती हूँ। इसी बीच लड़का फटाक से बोला, पापा माँ को कहाँ रिजल्ट दिखा रहे हैं, क्या वो पढ़ लिख सकती है, वो तो अनपढ़ है। आंसू भरे आंखों को माँ पल्लू से पूछती हुई दलिया बनाने के लिए किचन में चली गई। ये बात पिता ने सुनते ही लड़के से कहा, हाँ रे वो भी सच है, जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर में ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से हम समझे भी नहीं, चलो इस बार अबॉर्शन करा देता हूँ, आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं बाद में चांस नहीं, घूमना फिरना तो आपस में समझना समझाना तो जिंदगी भर चलता रहेगा। वो अनपढ़ थी ना, इसलिए जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए उसने सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वो आकर तुम्हारी कॉपी किताबें बस्ते को भरकर फिर तुम्हारे शरीर को ओढ़ना से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज्यादातर बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जगकर वापस जल्दी उठती थी और सुबह के काम में लग जाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरी पीछे पड़ी रहती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी पर रहती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बेटा पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन आपकी माँ ने आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। वो खाना बनाकर हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी, इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है। यह सुनकर लड़का रोते रोते माँ से लिपट कर बोलता है, माँ मुझे तो कागज पर 90% अंक मिले हैं, लेकिन मेरे जीवन को 100% बनाने वाली आप पहली शिक्षक हो। माँ मुझे 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD के ऊपर की भी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में एक डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर पा रहा हूँ।